दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जो हम डील करने जा रहे हैं, सैमसंग की 40 इंच की एलईडी है, ये लगभग 7-8 साल पुरानी। तो इसकी जो लाइट डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या लगा हुआ है अंदर, मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा बैक लाइट की। ये 7 स्ट्रिपें लगी हुई हैं जो कि 8 और 5 के जोड़ में है। 8 एलईडी एक तरफ है और 5 एक तरफ है। इसकी लेंथ वगैरह भी मैं सारी शेयर करूंगा, बट मेरा ये सजेशन है कि ये जो मॉडल है, पर्टिकुलर 2-3 मॉडल आते हैं इसके अंदर यही बैकलाइट लग के आती है, इसको जुगाड़बाजी ना करें, क्योंकि ये लाइटें चमकनी शुरू हो जाती हैं कॉम्बिनेशन बिगड़ने से। हो सकता है वो बार बार उड़ाना शुरू कर दे, अगर प्रॉपरली हम वोल्टेज एनालिसिस नहीं करते हैं उसका कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसको ओरिजिनल, ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, इसको ओरिजिनल ही डाल देना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। बाकी जो नए मैकेनिक हैं, ये स्टॉपर लगे हुए हैं काफी इसके अंदर, ये स्टॉपर लगना बहुत जरूरी है। एक तो ये आपके डिस्प्ले पैनल को सेफ रखती है, ऊपर से ये जो आपका डिफ्यूजर है उसको थोड़ा सा रोक के रखती है, ताकि ये लाइटें हैं ये चमके ना बिल्कुल भी, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। अगर ये स्टॉपर आप नहीं लगाते हो तो वो चमकना शुरू कर देती हैं पीछे से, और कस्टमर है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये स्टॉपर आपको संभाल के रखने हैं और लगाने जरूर हैं। बाकी सारी मॉडल नंबर की डिटेल, इसकी लेंथ, मैं सारी आपको मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।